हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 19 तक कंप्लीट किया था, राइट? और आज हम पेज नंबर 20 से देखने वाले हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम कोझिकोड टू थैलासेरी। उसमें हमें क्या बोला है, सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच इज 24 किलोमीटर्स अवे। सुबोध है वो कोझिकोड जा रहा है, वो 24 किलोमीटर दूर है। मंजनी इज गोइंग टू थैलासेरी विच इज 46 किलोमीटर अवे इन द ऑपोजिट डिरेक्शन। और मंजनी है वो थैलासेरी जा रहा है, जो है वो 46 किलोमीटर दूर है, वो ऑपोजिट डिरेक्शन में, सुबोध से ऑपोजिट डिरेक्शन में। देन How far is Kozhikode from Thalassery? तो हमें क्या बोला है कि Kozhikode है वो Thalassery से कितना दूर है, तो हम क्या करेंगे, 24 plus 46, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 24 और 46 का एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 70 किलोमीटर। देखो हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, इस साइड कोझिकोड है और इस साइड थैलासेरी है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला है, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल। आपका होम स्कूल से कितना दूर है, उसमें हमें क्या बोला है, मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मोमून है वो अपने स्कूल जा रहा है पर बहुत दूर से आ रहा है। He first walks about 400 meters to the pond. वो क्या करता है कि पहले 400 meters pond की तरफ चलता है। With slippers in his hands, he then walks 150 meters through the pond. फिर क्या करता है कि वो अपने slippers से वो हाथ में ले लेता है, फिर 150 meters से वो pond में अंदर चलता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। फिर क्या करता है कि वो वाइड ग्रीन फील्ड में चलता है, कितने मीटर्स, 350 मीटर्स। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर्स वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल। फिर क्या करता है कि अपने स्कूल पहुंचने के लिए रोड क्रॉस करता है और वो 40 मीटर्स चलता है। देखो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है हमें, ये बॉय है मोमून, वो अपने होम से स्कूल जा रहा है। फिर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। मोमून है वो अपनी स्कूल पहुँचने के लिए कितने मीटर्स चलता है, तो आंसर आएगा 940 मीटर्स। पर कैसे आएगा, उसमें हमें क्या करना है कि एडिशन करना है, पहले 400 मीटर चलता है, फिर 150 मीटर चलता है, देन 350 मीटर चलता है एंड अगेन 40 मीटर चलता है, तो इन सब का एडिशन होगा 940 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। नो, वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, राइट? देन नेक्स्ट पेज पर हमें क्या बोला है, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल। आपको फाइंड करना है कि आपके फ्रेंड्स है वो स्कूल से कितना दूर रहते हो, ये जो टेबल यहाँ पर दिया गया है वो फिल करना है। राइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स, जो डिस्टेंस है वो आपको मीटर या तो किलोमीटर में लिखना है। यहाँ पर दो कॉलम्स दी गई है, फ्रेंड्स नेम एंड डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल। यहाँ पर फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं और वो स्कूल से कितना दूर रहते हैं उसका डिस्टेंस यहाँ पर लिखना है। ये टेबल आप अपने तरीके से भी फिलअप कर सकते हो, पर मैंने आपको यहाँ पर ये फिलअप करके दिया। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के कोई भी नेम लिख सकते हो और यहाँ पर भी डिस्टेंस आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, पर मैंने जो लिखा है वो आपको बोलती हूँ। फर्स्ट वन है महेश, उसका डिस्टेंस है
स्कूल से होम का 1 किलोमीटर एंड 100 मीटर देन हितेश उसके होम से स्कूल का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 500 मीटर देन राकेश उसके होम से स्कूल का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर 200 मीटर देन नेक्स्ट वन इज परेश उसके होम से स्कूल का डिस्टेंस है 600 मीटर जो सबसे कम है देन नेक्स्ट वन इज सुरेश उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर 300 मीटर देन नेक्स्ट वन इज दर्शन उसके होम से स्कूल का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर 400 मीटर तो हमने ये टेबल तो फिलअप कर लिया राइट फिर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो एमोंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल इनमें से ऐसा कौन है जो स्कूल से सबसे नजदीक रहता है तो कौन आएगा परेश क्योंकि परेश के होम से स्कूल का डिस्टेंस है 600 मीटर राइट तो यहाँ पर आएगा परेश देन नेक्स्ट वन इज वो लिव्स फार्देस्ट फ्रॉम द स्कूल कौन है वो जो स्कूल से सबसे दूर रहता है तो क्या आएगा सुरेश क्योंकि उसके होम से स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर 300 मीटर तो यहाँ पर हम नेम लिखेंगे सुरेश देन नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल ऐसे कितने चिल्ड्रन है जो 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में रहते हैं ओनली वन और वो कौन है परेश क्योंकि उसके होम से स्कूल का डिस्टेंस है 600 मीटर तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली वन और हम यहाँ पर लिखेंगे परेश देन नेक्स्ट वन इज देयर एनीवन वो लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल क्या ऐसा कोई भी चिल्ड्रन है जो स्कूल से 5 किलोमीटर दूर रहता है हाउ डू दे कम टू स्कूल वो स्कूल पे कैसे आता होगा तो हम क्या करेंगे पहले तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहता है तो हमें पता चल जाएगा कि सुरेश क्योंकि उसके होम से स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर एंड 300 मीटर तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस देन सुरेश लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल He comes to school by bicycle. Then next topic is guess and find out. आपको guess करना है और find करना है. First one है How long is the thread in a reel? एक reel होती है उसमें thread की size कितनी होगी? उसमें हमें क्या मिलेगा कि 50 meter, 100 meters? 500 मीटर्स और मोर उसकी लेंथ है वो कोई भी हो सकती है इनमें से देन नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील काइट रील में जो स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ कितनी हो सकती है कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग क्या वो 1 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है तो पहले तो हम उसकी लेंथ लिखते हैं 500 मीटर 1000 मीटर 2000 मीटर और एक्सेट्रा राइट सो इट कैन बी मोर देन ए किलोमीटर लॉन्ग देन नेक्स्ट वन इज इफ ए हैंकरचीफ इज मेड आउट ऑफ ए सिंगल थ्रेड हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी अगर हैंकरचीफ है वो सिंगल थ्रेड से बना होगा तो उसमें कितने थ्रेड्स आए होंगे तो क्या आंसर आएगा द लेंथ ऑफ द थ्रेड मे बी अबाउट 100 मीटर्स टू 500 मीटर्स उसकी लेंथ क्या हो सकती है 100 मीटर्स टू 500 मीटर्स नेक्स्ट पेज पर हमें पोएम दी गई है उसका नेम क्या है आई विश आई वेर काश में ये होता इसमें हमें क्या बोला है आई विश आई वेर ए काइट काश में एक पतंग होता सो दैट आई कुड राइज तो मैं शायद उठ सकता अबोव दिस बिल्डिंग्स हाइट ये जो बिल्डिंग दिख रही है उसकी हाइट जितना मैं
उठ सकता। आई विश आई वेर अ बर्ड, काश मैं एक बर्ड होता। सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबोव दैट काइट, तो मैं उड़ सकता और जो काइट है उस पर पहुंच सकता। आई विश आई वेर ए क्लाउड, काश मैं एक क्लाउड होता। सो दैट आई कुड मूव अबोव दोज लिटिल बर्ड्स, वो जो छोटे छोटे बर्ड्स दिखते हैं उसके आसपास में मूव कर सकता। आई विश आई वेर ए प्लेन, काश मैं एक प्लेन होता। सो दैट आई कुड राइज अबोव द क्लाउड्स एंड द हिल्स, तो मैं शायद क्लाउड्स एंड हिल्स के बीच में से उठ सकता। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल नेचर का पिक्चर दिया गया है, राइट? और यहाँ पर पोएट ने अपनी विश बताई है। देन नेक्स्ट वन है ट्राई टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है, पर मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है। फर्स्ट वन इज विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, ऐसी कौन सी हाईएस्ट बिल्डिंग है जो आपने देखी है। अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट, वो कितने रूम्स को हम हाइट करेंगे तो उसकी हाइट इक्वल होगी। तो आंसर आएगा कुतुब मीनार, ऐसी कौन सी बिल्डिंग है, कुतुब मीनार, और 24 रूम्स होंगे उसके इक्वल में ये कुतुब मीनार की बिल्डिंग आएगी, राइट? देन नेक्स्ट वन इज हाउ हाई कैन ए काइट गो, काइट है वो कितनी हाई तक जा सकती है। कैन इट गो हायर देन ए कुतुब मीनार, क्या वो कुतुब मीनार की हाइट से भी हायर जा सकती है। तो काइट की हाइट कितनी होगी, 100 meters, तो हमें क्या बोला कि क्या वो कुतुब मीनार की हाइट से भी हायर जा सकती है। यस, वो हायर जा सकती है। थर्ड वन इज हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, प्लेन है वो कितने हाई तक फ्लाई कर सकता है। कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 kilometers हाई, क्या वो माउंट एवरेस्ट जो 9 kilometers जितना हाई है उससे भी ज्यादा हायर फ्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि प्लेन की फ्लाइट की हायर है वो कितनी होगी, 10 kilometers हाई, राइट? तो यस, आंसर क्या आएगा, यस इट कैन फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट। देन फोर्थ वन इज हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, कि आपने ऐसा कभी देखा है कि क्लाउड्स है वो आपके नीचे हो। नो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, राइट? क्योंकि क्लाउड्स है वो तो स्काई में ही होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा नो। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होता है।